भारत लगातार अपने सैन्य क्षमताओं में इजाफा करता जा रहा है। भारत ने एक बार फिर मिसाइल के सफल परीक्षण कर दुश्मनों को आंख दिखाई है। भारत ने गुरुवार को वारडे के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। मिसाइल का सफल परीक्षण गुरुवार सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। भारत और चीन में सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत द्वारा किए गए सफल परीक्षण से चीन की आंखें जरूर खुल गई होगी। इस खतरनाक नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। इसके साथ नाग मिसाइल DRDO की स्वदेशी वारडे की सूची में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने के दौरान DRDO का यह 12वां सफल मिसाइल परीक्षण है। DRDO के इस महान कार्य से भारत के सैन्य लड़ाकू आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वहीं एक दिन पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 के नए संस्करण को जारी किया था। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करने में लगा हुआ है। DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने कहा कि संस्थान सेना के लिए स्वदेशी मिसाइलों को तैयार करने में जुटा हुआ है ताकि मिसाइल क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आपको बता दें कि नाग मिसाइल कैरियर लॉन्चर है जो 4 से 7 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है। यह 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और दिन के अलावा रात में भी दुश्मनों के टैंक को अपना निशाना बना सकती है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने साल 2018 में भारतीय सेना के लिए 300 नाग मिसाइल और 25 NMICA खरीदने को मंजूरी दी थी। D3 न्यूज़।